हेलो, मैं आशीष तिवारी असेसमेंट के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। इसके पहले हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे थे, तो ट्रिग्नोमेट्री की 4 से 5 क्लासेज हो चुकी हैं, तो उसको वहीं पे रोकते हैं और आज हम एक चैप्टर देखते हैं। छोटा सा चैप्टर है ताकि इसी को ला रहे हैं, 2-3 दिन से वीडियो नहीं आ रही थी, इसीलिए छोटे चैप्टर को उठाए हैं ताकि 2 वीडियो में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, फिर हम ट्रिगो को भी स्टार्ट करेंगे। एक लंबी क्लास होगी ट्रिगो की, उसके बाद 200 क्वेश्चन को जो सेट होगी वो आपके सामने हम डिस्कस करेंगे। आज हम पढ़ेंगे एज। एज वैसे तो रेशियो का पार्ट है, लेकिन आपको पढ़ के काफी आसानी लगेगा इस चैप्टर को। ये एक मैथ और रीजनिंग दोनों का चैप्टर है। कभी कभी किसी एग्जाम में रीजनिंग में एक पोर्शन आता है और किसी किसी एग्जाम में मैथ का पोर्शन होता है, तो इसमें हम बिल्कुल टाइम वेस्ट किए बिना हम क्वेश्चन की तरफ डिस्कस करेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ आएंगे और क्वेश्चन आपके सामने डिस्प्ले भी किया जाएगा ताकि आपको लिखने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, मैं क्वेश्चन यहाँ से बोलूंगा, फिर भी आपको वीडियो पे डिस्प्ले भी होगा क्वेश्चन डायरेक्टली। सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, पी और क्यू की वर्तमान आयु के बीच का अनुपात क्रमशः 3 और 4 दिया है। क्या दिया है क्वेश्चन, आपके सामने दिख भी रहा होगा, पी और क्यू के वर्तमान आयु का जो अनुपात है 3 और 4 दिया है। 4 वर्ष बाद क्यू पी से 5 वर्ष बड़ा होगा, तो पी की वर्तमान आयु बतानी है। ठीक है, तो सबसे पहले जो डाटा दिया है क्वेश्चन का वहां से डिस्कस करेंगे। 2 क्लासेस में आपकी आयु खत्म हो जाएगी, जैसे भी आई हो। ये आयु के बीच में हम संबंध देखते हैं, पिता और पुत्र के बीच में, भाई और बहन के बीच में, पति पत्नी के संबंध में, सारी रिलेशंस के बीच में एज के डिफरेंस को समझ कर हम क्वेश्चन को करते हैं। सबसे पहले पहला नंबर क्वेश्चन आपके सामने डिस्प्ले हो रहा होगा वीडियो की साइड में, थोड़ा इस साइड से होकर क्वेश्चन को डिस्कस करता हूँ ताकि आपका क्वेश्चन जब मैं सेट करूं तो पूरी क्वेश्चंस आपको डिस्प्ले हो। सबसे पहले क्वेश्चन आपको दिया गया है पी और क्यू के बारे में दिया गया है। पी और क्यू दिया गया है, 2 टर्म्स आपके यूज किए गए हैं पी और क्यू। क्या दिया गया है, पी और क्यू के वर्तमान आयु के बीच का जो अनुपात है वो 3 और 4 दिया गया है। 3 और 4 दिया गया है इनका रेशियो, 3 और 4 रेशियो दिया। उसके बाद बोला गया है कि 4 वर्ष बाद जो क्यू है पी से कितना हो रहा है, 5 वर्ष बड़ा हो जा रहा है। 4 वर्ष के बाद After 4 years, जो Q है P से 5 वर्ष बड़ा हो जा रहा है। ठीक है, तो इसको हम समझेंगे। देखिए यहाँ से जो रेशियो का यहाँ पे डिफरेंस है वो कितने का डिफरेंस है, यहाँ 3 है और यहाँ पे क्या है 4 है, तो 1 का डिफरेंस है। 1 का डिफरेंस कब है, 4 वर्ष बाद कितना डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे। और कहा गया है कि 4 वर्ष बाद क्या है, पी जो है क्यू से कितना बड़ा है, 5 वर्ष बड़ा है। यहाँ पे आपको क्वेश्चन में कितना बड़ा दिख रहा है, 1 बड़ा दिख रहा है, लेकिन क्वेश्चन में दिया है 5 बड़ा है। तो 1 की वैल्यू 5 है, तो आपको क्वेश्चन पूछे गया है पी की वर्तमान आयु, तो पी की वैल्यू कितनी है 3, 1 की वैल्यू 5 है, तो 3 की वैल्यू हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, 3 × 5 यानी 15 वर्ष आपका आंसर हो जाएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन को कर सकते हैं, कुछ क्वेश्चन में था नहीं, क्वेश्चन यही था कि पी और क्यू की वर्तमान आयु का अनुपात जो था 3 और 4 था, 4 वर्ष बाद उनका 4 वर्ष बाद क्या था, क्यू जो था पी से 5 वर्ष बड़ा था, तो 4 वर्ष बाद क्यू जो है पी से 5 वर्ष बड़ा था क्वेश्चन में दिया है। लेकिन यहाँ डेटा में देखेंगे ये 3 और 4 है, यहाँ पे आपको डेटा में लिखेगा कि 1 ही बड़ा है और 1 की वैल्यू क्वेश्चन में 5 दी गई है, तो हमको पी की वर्तमान आयु चाहिए, तो 3 की वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 की वैल्यू 5 है तो 3 की वैल्यू 15 ईयर्स हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 1 आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, काफी अच्छे तरीके से छोटे छोटे तरीकों से आपको समझाएगा, कोई फॉर्मूला कोई बेसिक चीज यहाँ पे नहीं बचाई जाएगी, डायरेक्ट क्वेश्चन को कैसे करना है, कैसे डायरेक्ट समझना है, ये चीजें हम डिस्कस करेंगे। दूसरा क्वेश्चन है, लक्ष्मी की आयु और उसकी माँ की आयु का अनुपात 3:11 है। क्वेश्चन आपके सामने डिस्प्ले भी हो रहा होगा, लक्ष्मी की जो आयु है और उसकी माँ की आयु है, उसकी आयु का अनुपात 3:11 दिया गया है। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है उनकी आयु के बीच का अंतर जो डिफरेंस दिया गया है, सबसे पॉइंट वाली बात है, जो डिफरेंस दिया गया है वो 24 ईयर का दिया गया है। ठीक है, और आपसे बोल रहा है कि 3 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा, 3 वर्ष बाद उनकी आयु का रेशियो क्या होगा। लेकिन क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे, लक्ष्मी है और उनकी माँ है, उनकी आयु का अनुपात 3:11 है। ठीक है, और बोल रहा है कि उनके बीच आयु का जो अंतर है 24 है, तो यहाँ पे हमारा अंतर कितना है, ये 3 है और 11 है, इनके बीच का जो अंतर कितना है 8 का अंतर है, और 8 के अंतर है और क्वेश्चन में 8 की वैल्यू कितना दिया गया है 24 दिया गया है, तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 यहाँ से हो जाएगी। और आपसे पूछा गया है क्या कि 3 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा, तो ये तो परसेंटेज है, परसेंटेज में 1 की वैल्यू जब 3 है तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9, और 11 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 33 इंटू कर देंगे। लेकिन बोला क्या है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में बोला है कि 3 वर्ष बाद
तीन वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा? तो 9 और 33 है, 3 वर्ष बाद यानी 3 वर्ष और जोड़ देंगे तो ये 12 हो जाएगा और 3 जोड़ देंगे तो ये 36 हो जाएगा। तो रेशियो इनका कितना हो जाएगा? 1:3 हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा, इसको नोट डाउन कर लीजिए आराम से, मैं थोड़ा साइड हट जाता हूँ, आराम से आप नोट डाउन कर सकते हैं। उसके बाद हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या है उसको हम देखेंगे, ठीक है। तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, इस क्वेश्चन को आपने नोट कर लिया, कुछ नहीं कहा था, क्वेश्चन में यही था कि लक्ष्मी है और उनकी माँ है, उनकी आयु का जो अनुपात है 3:11 है और उनकी आयु के बीच का जो अंतर दिया था वो 24 साल दिया था। तो 8 हमने यहाँ से जो डिफरेंस निकाला, 8 की वैल्यू यहाँ क्वेश्चन में 24 दिया गया है तो 1 की वैल्यू 3 हो जाएगी। तो यहाँ से क्या करेंगे, प्रेजेंट एज क्या हो जाएगा, 9 और 33 हो जाएगी, 1 की वैल्यू 3 है तो 3 की वैल्यू 9 और 11 की वैल्यू 33 हो जाएगी। और 3 वर्ष बाद उनकी आयु के बीच का जो रेशियो पूछा है वो 12 और 36 के बीच का रेशियो क्या हो जाएगा, 1:3 का रेशियो हो जाएगा। क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। इस एज वाले चैप्टर में कुछ थ्योरी नहीं है, इसमें कोई थ्योरी नहीं होता, डायरेक्ट क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, रेशियो मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आपको कोई ज्यादा फॉर्मूले और कोई ऐसी जो कॉम्प्लिकेटेड चीजें हैं उस पर ध्यान नहीं देना है। तीसरा नंबर क्वेश्चन आपके सामने भी डिस्प्ले हो रहा होगा, आपके सामने वीडियो में डिस्प्ले हो रहा है, क्वेश्चन है पिता और पुत्र की आयु का जो युग है वो 60 वर्ष है, यानी फादर है और सन है उनकी आयु का जो युग है वो 60 ईयर्स है, 60 वर्ष है। इंग्लिश और हिंदी दोनों में क्वेश्चन डिस्प्ले किया जा रहा होगा। आपको दिया है कि पिता और पुत्र की यानी फादर और सन की जो आयु का जो युग है वो 60 वर्ष है। उसके बाद क्वेश्चन में बोला गया है यदि 6 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी है, 6 वर्ष पूर्व यानी 6 ईयर्स माइनस का लगा देंगे यानी पूर्व दिया है क्वेश्चन में, आपको दिया गया है कि 6 वर्ष पूर्व पिता की जो आयु है पुत्र की आयु की 5 गुनी है, यानी फादर की जो आयु है सन की आयु कितनी है, 5 गुनी है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या बताना है, 6 वर्ष बाद पुत्र की आयु बताना है, 6 वर्ष पहले इनका रेशियो दिया है लेकिन आपको बताना क्या है, 6 वर्ष बाद आपको रेशियो बताना है, 6 वर्ष बाद पुत्र की आयु आपको बताना है। तो क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे, काफी इजी क्वेश्चन है, आपको दिया गया ध्यान से समझेंगे, फादर और सन के जो आयु का जो योग दिया है वो 60 वर्ष दिया है, ठीक है। 6 वर्ष पहले जब हम आएंगे, 6 वर्ष पहले इनका जो रेशियो दिया है वो 5:1 दिया है। आप अपने प्रैक्टिकली समझे, आप और आपके पिताजी का जो उम्र का युग 60 वर्ष दिया है, हम 6 वर्ष पहले लाएंगे तो उसमें क्या होगा, आपके भी उम्र में 6 वर्ष की कमी होगी और आपके पिताजी की उम्र में भी 6 वर्ष की कमी होगी, यानी जब होल पे बात करेंगे तो दोनों में से जब 6-6 कमी आएगी यानी टोटल जो एज है उसमें 12 ही कमी आएगी। ध्यान से समझेंगे, जैसे मान लीजिए आप आपके पिताजी 20 साल के हैं, आप 10 साल के हैं, ठीक है, और बात कर रहा है कि 6 वर्ष पहले यानी दोनों का युग कभी 30 है, 20+30, ठीक है, तो 6 वर्ष पहले अगर जाएंगे तो 6 वर्ष आपके एज में भी कटौती होगी और 6 वर्ष आपके पिताजी के एज में भी कटौती होगी। जब दोनों में 6-6 यानी टोटल जो सम था उसमें से कितने कम हो गए, 12 कम हो गए, तो यहाँ भी वही होगा, यहाँ 60 वर्ष है अभी फादर और सन के वर्तमान आयु का युग 60 वर्ष है, 6 वर्ष पहले जब जाएंगे तो आपके भी एज में 6 वर्ष की कटौती होगी, आपके पिताजी के एज में भी 6 वर्ष की कटौती होगी। तो जब यहाँ से 60 में से 2 बार 6-6 का माइनस करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 48 आ जाएगा, और 48 को किस रेशियो में बांटना है, 5:1 में, तो ये 5 और 1 कितना होता है, 6 की वैल्यू आपको 48 दिया गया है तो 1 की वैल्यू कितना हो जाएगी, 1 की वैल्यू हो जाएगी 8 हो जाएगी, तो 8 1 की वैल्यू 8 है तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 40 हो जाएगी और 1 की वैल्यू क्या है, 8 है। आपसे पूछा क्या है, 6 वर्ष बाद, क्वेश्चन में यही है 6 वर्ष बाद पुत्र की आयु, 6 वर्ष पहले पुत्र की आयु तो ये है लेकिन वर्तमान से 6 वर्ष बाद का एज पूछ रहा है, तो अभी तो 6 वर्ष पहले ये है तो इससे जब 6 वर्ष बाद जाएंगे तो 8 में 6 वर्ष जोड़ देंगे तो 8 तो अभी है, 6 वर्ष पहले जब प्रेजेंट एज में आएंगे तो 6 जोड़ेंगे और क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि 6 वर्ष बाद यानी जो प्रेजेंट एज है उससे 6 वर्ष बाद तो 6 और जोड़ देंगे तो 8 और 6 14 और 6 कितना हो जाएगा, 20 ईयर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं क्वेश्चन में करना है, क्वेश्चन में यही था कि फादर और सन के वर्तमान आयु का युग 60 वर्ष था, 6 वर्ष पहले जाएंगे तो उनका जो फादर का एज था सन के एज के 5
गुना था तो पांच गुना हमने कर दिया, एक रेशियो पांच में हमने पांच रेशियो एक में डिवाइड कर दिया है, और छह वर्ष पहले है, अभी युग दिया है, तो जब दोनों में आप डिवाइड करेंगे तो छह वर्ष आपके एज में और छह वर्ष आपके पिता की उम्र में दोनों में से कटौती होगी, तो यहाँ से छह छह जब माइनस करेंगे तो बारह माइनस हो जाएगा, तो साठ में से जब बारह माइनस करेंगे तो 48 हो जाएगा, 48 को 5:1 में बांटना है, तो पांच और एक छह की वैल्यू 48 है, तो एक की वैल्यू कितना हो जाएगा 48, छह की वैल्यू 48 है तो एक की वैल्यू 8 हो जाएगी, तो पांच की वैल्यू 4 और एक की वैल्यू 8, और क्वेश्चन आपसे पूछा कि छह वर्ष बाद उनके पुत्र की आयु क्या थी, तो छह वर्ष पहले तो ये है, प्रेजेंट में जाने के लिए छह वर्ष और ऐड करेंगे तो प्रेजेंट में हम आ गए, यहाँ तक आप प्रेजेंट में आ गए, उससे छह वर्ष बाद का पूछ जाए तो छह और ऐड कर देंगे, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 20 वर्ष, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चौथा क्वेश्चन आपके डिस्प्ले पर प्रिंट हुआ हुआ आपको मिल रहा होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चौथा नंबर क्वेश्चन, उम्मीद करते हैं कि सेशन आपको समझ में आ रहा होगा, आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि कोई चैप्टर में आपको कोई दिक्कत नहीं हो, ठीक है। डिजिटल बोर्ड तो है नहीं, डिजिटल बोर्ड रहता तो क्वेश्चन ऐसे ही कोई दिक्कत नहीं, तो हमको भी दिख जाता है, ऐसे हमको क्वेश्चन नहीं दिख पा रहा है तो हमको क्वेश्चन देखना पड़ रहा है, नहीं तो डिजिटल बोर्ड रहता तो एक क्लिक पे क्वेश्चन हमारे सामने रहता और आपके भी सामने रहता, ठीक है। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन है, पांच वर्ष पूर्व पिता और पुत्र की आयु का योग 60 वर्ष है, पुत्र की आयु पिता की आयु का 25% है, तो पिता की आयु आपको बताना है, ठीक है। क्वेश्चन में दिया है चौथे नंबर क्वेश्चन में, पांच वर्ष पूर्व यानी 5 years ago, ये नीचे डाउन का साइन लगा रहे हैं, इसका मतलब पहले, और अप का साइन लगाएंगे तो बाद, पांच वर्ष पहले फादर और सन की जो आयु का योग है वो 60 वर्ष है, पांच वर्ष पहले पिता और पुत्र की आयु का योग 60 वर्ष है। उस वक्त क्वेश्चन में दिया गया है पुत्र की आयु पिता की आयु का 25% है, ठीक है, पुत्र की आयु पिता की आयु का 25%, 25% मतलब 25/100, और यहां से आप कर सकते हैं 1/4, यानी पुत्र की आयु 1 है तो पिता की आयु कितनी है 4 है, पांच वर्ष पूर्व की बात की जा रही है। उसके बाद क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, उसके अंदर पिता की वर्तमान आयु बताइए, पिता की वर्तमान आयु आपको बताना है, ठीक है, यहां से तो देखेंगे क्या क्या था, पांच वर्ष पहले पिता और पुत्र की आयु का अनुपात योग कितना था 60 वर्ष था, ठीक है, तो पिता और पुत्र की आयु का जो क्या है 25% है, तो 1/4 हो जाएगा, यानी पिता की जो उम्र 4 रेशियो है और पुत्र की कितनी है 1 रेशियो, और क्वेश्चन में दिया है कि 60 वर्ष इन दोनों का जो रेशियो है योग है 60 वर्ष है, वो कब है 5 वर्ष पहले, लेकिन प्रेजेंट में जो ये दिया गया है क्या रेशियो दिया गया है 1:4 दिया गया है, तो हम प्रेजेंट में आएंगे 4 और 1 कितनी 5 की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहां से पहले तो 60 थी लेकिन 5 वर्ष पहले थी, जब प्रेजेंट में आएंगे तो दोनों का योग है, दोनों का योग 60 है, और 5 वर्ष अब और बढ़ाना है, तो जैसे हमने पहले क्वेश्चन में दूसरे क्वेश्चन बताया था कि जोड़ दे रहे थे, वैसे ही इसमें करेंगे 5-5 वर्ष दोनों वर्ष में जोड़ेंगे, तो 5 वर्ष अभी जो करेंगे तो 5 वर्ष पिता की आयु में वृद्धि होगी और 5 वर्ष किसकी होगी पुत्र की आयु में वृद्धि होगी, तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 की वैल्यू यहां से 70 हो जाएगी और 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 14 हो जाएगी, तो आपसे पूछा क्या है पिता की आयु पूछा है, तो 14 × 4 कितना है 4, 1 की वैल्यू 14 है तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 56 ईयर आपका आंसर हो जाएगा, चौथे नंबर क्वेश्चन का 56 ईयर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और आपको समझ में आएगा, कुछ नहीं करना है, 5 वर्ष पहले दिया था फादर और सन की आयु 60 वर्ष थी, उनका रेशियो दिया था, रेशियो 5 की वैल्यू दिया था, 5 वर्ष पहले दिया था, प्रेजेंट में आने के लिए दोनों में 5-5 ऐड करेंगे तो 5+5 तो 70 हो जाएगा, 1 की वैल्यू 14 हो जाएगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने डिस्प्ले किया जा रहा है, पांचवा नंबर क्वेश्चन है, हम आपको बता रहे हैं कौन सा क्वेश्चन, पांचवा नंबर क्वेश्चन आपके सामने डिस्प्ले किया जा रहा है, क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन है आपके सामने, आपको दिख रहा होगा एक पिता और उसके पुत्र की आयु का योग 56 वर्ष है, एक पिता है फादर है और उनके पुत्र की आयु का योग कितना है 56 वर्ष है, ठीक है, पिता और पुत्र की आयु का योग 56 वर्ष है। उसके बाद क्वेश्चन में दिया गया है कि 4 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु क्या है 3 गुनी हो जाएगी, 4 वर्ष बाद 4 ईयर यानी प्लस कर देंगे 4 years later, यानी प्लस से आप बात मान सकते हैं, माइनस करेंगे तो पहले रहेगा, ठीक है, तो 4 वर्ष बाद क्या कह रहा है फादर और सन की आयु का जो कितना गुना है, 4 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी है, पिता की जो आयु है पुत्र की आयु की 3 गुनी है, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है
उनकी आयु क्या है, उनकी आयु आपको बताना है, ठीक है। तो यहां से देखेंगे ये तीन है और यहाँ एक है, तीन और एक रेशियो में है, लेकिन कब दिया गया है, ये पहले का दिया गया है, फादर और सन के जो रेशियो है वो कितना है, 56 है, और 4 वर्ष बाद की बात कर रहा है। तो यानी 4 वर्ष बाद बात करेंगे तो फादर्स के एज में भी 4 वर्ष की बढ़ोतरी होगी और सन की एज में भी 4 वर्ष की वृद्धि होगी, यानी 56 ईयर्स इन दोनों का जो सम है, इसमें 4 वर्ष फादर्स का और 4 वर्ष सन का, दोनों का ऐड होगा तो 56 + 4 + 4 तो 56 + 8 करेंगे तो ये 64 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितनी वैल्यू है, 4 की वैल्यू कहाँ से आ गई, 4 की वैल्यू आपसे यहाँ से 4 की वैल्यू 64 हो जाएगी, ठीक है। 3 और 1 4 की वैल्यू 64 हो जाएगी, 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 16 हो जाएगी। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है, आपसे क्वेश्चन पूछा है कि उनकी आयु बताइए, यानी दोनों की वर्तमान आयु बताइए। तो 1 की वैल्यू 16 है तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 48 हो जाएगी, और 1 की वैल्यू यहाँ से 16 है। लेकिन आपसे क्वेश्चन ने पूछा है कि उनकी आयु बताना है, वर्तमान में आयु बताना है, तो ये जो आयु है 4 वर्ष बाद की आयु है, लेकिन आपको बताना है प्रेजेंट की। तो यहाँ से क्या करेंगे, इनके एज में से 4 वर्ष माइनस कर देंगे और इनके एज में से भी 4 वर्ष माइनस कर देंगे, ये हो जाएगा 44 और ये हो जाएगा 12। इनका रेशियो आयु क्या हो जाएगा, ये पिता की उम्र हो जाएगी 44 साल और बेटे की उम्र हो जाएगी 12 साल, और इनका योग 56 आपके क्वेश्चन में दिया गया था। तो यहाँ से भी आप कर सकते हैं, आपके सामने ऑप्शन भी दिख रहा होगा, तो ऑप्शन में भी आप देख सकते हैं कि जो यही ऑप्शन है जिनका योग करने पर आपका 56 और भी आ रहा है, तो यहाँ से आप कर सकते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा होगा पूरी क्वेश्चन को, पिता और पुत्र की आयु का योग 56 वर्ष है, 4 वर्ष बाद उनकी पिता की उम्र है, पुत्र की उम्र के 3 गुनी हो गई है, ठीक है, ये 3 गुनी हो गई है 4 वर्ष बाद, यानी 4 वर्ष बाद जाएंगे तो पिता की उम्र में भी 4 वर्ष की बढ़ोतरी होगी और पिता को और पुत्र की उम्र में भी 4 वर्ष की बढ़ोतरी होगी। तो 56 में 8 जब ऐड करेंगे तो 64, 4 की वैल्यू 64 हो गई, तो 1 की वैल्यू 16 हो जाएगी, तो यहाँ से 1 की वैल्यू 16 और 3 की वैल्यू 48 हो जाएगी। तो उनकी प्रेजेंट एज बताना है तो 4 वर्ष इनके में से घटा देंगे और 4 इनके में से घटा देंगे, तो पिता की उम्र 44 वर्ष और पुत्र की उम्र कितना हो जाएगी, 12 वर्ष हो जाएगी। अगले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, 56 नंबर क्वेश्चन क्या है उसको हम डिस्कस करते हैं। 56 नंबर क्वेश्चन आपके सामने डिस्प्ले भी किया जा रहा होगा, 56 नंबर जो आपके पास क्वेश्चन है, विकी और सुमी की आयु का अनुपात 2:3 है। तो यहां से देखेंगे वी फॉर विकी और यस फॉर सुमी, विकी और सुमी की आयु का अनुपात कितना है, 2:3 है, ठीक है, 2:3 है, विकी और सुमी की आयु का अनुपात 2:3 है। उसके बाद बोल रहा है कि 12 वर्ष बाद दोनों की आयु का अनुपात 11:15 हो जा रहा है, यानी 12 वर्ष बाद दोनों की आयु का रेशियो 11:15 कितना, 15 हो जा रहा है। तो सुमी की आयु बताइए, अगर आप इस क्वेश्चन को बेसिक से करेंगे तो आप x मानेंगे, कैसे बेसिक से करेंगे, अभी जो है 2x और 3x है, 12 वर्ष बाद यानी इनके में 12 जोड़ देंगे और इनके में 12 जोड़ देंगे, इनकी वर्तमान आयु 2x और 3x है, 12 वर्ष बाद जाएंगे तो 12 वर्ष 2x प्लस 2l और 3x प्लस 2l जो हमारा किसके बराबर, 11/15 की वैल्यू है। यहां से जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके जब x की वैल्यू निकालेंगे और सुमी कब निकालना है तो 3x में, x में 3 से गुणा कर देंगे, यानी 3 और x की जो वैल्यू है उसमें गुणा कर देंगे तो सुमी की एज आएगी। ये तो है बेसिक चीजें जो आपको x के टर्म्स में फंसाती जाएगी, लेकिन यहाँ पे हम सीखते हैं विदाउट एक्स कैसे क्वेश्चन को करते हैं, बिना एक्स के आप क्वेश्चन को कैसे करेंगे, बिना ट्रिक सारे साइड ट्रिक से चीजें को कैसे हैंडल करेंगे। तो इसमें हम इसको हटा देते हैं क्योंकि हमको यहाँ से बेसिक नहीं सीखना है, बेसिक हमने 6-7 के लड़के सीखते हैं, हम तो डायरेक्ट क्वेश्चन को कैसे करेंगे वो हम सीखेंगे। देखिए यहाँ दिया है विकी और सुमी की आयु का अनुपात कितना दिया है, 2:3 दिया है, ठीक है, 12 वर्ष बाद इनका रेशियो कितना हो जा रहा है, 11:15 हो जा रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे ये जो डिफरेंस है इनका, दोनों में 12 वर्ष एड हो रहा है तो जो इनका डिफरेंस होना चाहिए वो हमेशा सेम होना चाहिए। यहाँ देखिए 2 है और 11 है, इनमें 9 का डिफरेंस है, यहाँ 3 है और यहाँ 15 है, तो यहाँ 12 का डिफरेंस है, तो यहाँ डिफरेंस क्या है, सेम नहीं है। तो डिफरेंस को सेम नहीं है तो रेशियो के डिफरेंस को सेम कैसे करते हैं वो देखेंगे। इनके बीच का गैप कितना है, तो 4 है, और इनके बीच का गैप कितना है, 1 है, तो इस 4 से ऊपर गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, और ये करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 1 से नीचे गुणा कर देंगे तो ये 11 हो जाएगा और ये 15 हो जाएगा। अब आप देखेंगे कि इनके बीच का जो गैप है वो कितना है, यहाँ भी गैप 3 है और यहाँ भी गैप 3 का ही गैप है, तो यहाँ से गैप 3 का है और यहाँ से भी गैप 3 का है, तो यहाँ से 3 की वैल्यू क्या आ गई,
तीन की वैल्यू आ गई आपके पास 12 दिया गया है, ये गैप इनमें 12 12 वर्ष की वृद्धि की गई है, तो तीन की वैल्यू 12 दिया गया है, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक की वैल्यू यहाँ से 4 हो जाएगी। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा था, सुमी का एज बताइए, तो सुमी यहाँ कितना है 12 है, ये विक्की है और ये सुमी है, तो 12 की वैल्यू चाहिए, तो 12 इंटू 4 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ से 4 इंटू कर देंगे तो सुमी का एज कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। ठीक है, बेसिक से भी कर सकते हैं और इस तरीके से भी आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन को कैसे करेंगे, आइए आगे आगे समझते हैं आप आगे आगे आने वाले क्वेश्चंस को आप कैसे करेंगे। सातवां नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, सातवां नंबर क्वेश्चन आपके सामने डिस्प्ले भी किया जा रहा होगा कि क्वेश्चन ये है कि 10 वर्ष पूर्व ए और बी की उम्र का अनुपात 3:5 है, 10 वर्ष पूर्व यानी -10, 10 वर्ष पूर्व क्या ए और बी के आयु का अनुपात कितना है, ए और बी के आयु का अनुपात 3:5 है, 3:5 है। 10 वर्ष पूर्व ए और बी के आयु का अनुपात जो है 3:5 है, आपसे बोला है कि उनकी वर्तमान आयु कितने है, 2:3 है, उनकी वर्तमान आयु यानी प्रेजेंट एज क्या है, 2:3 है। तो आपसे पूछा क्या गया है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में पूछा गया है कि अनुपात दिया है तो उनकी एज बताना है कि उनकी एज क्या है, क्या होगी। ठीक है, तो यहां से देखेंगे, यहां से इनका डिफरेंस 1 का है और यहाँ डिफरेंस 2 का है, तो हम डिफरेंस गैप को मेंटेन करेंगे क्योंकि यहाँ दोनों का 10 वर्ष का ही अंतर दिया गया है, तो देखेंगे क्या होगा, यहाँ इसके डिफरेंस कितना है 1 है, इसमें भी डिफरेंस 2 है, तो इस 1 से गुणा ऊपर कर देंगे तो ये 3 हो जाएगा और ये 5 ही रहेगा क्योंकि 1 से गुणा कर रहा है। ठीक है, और ऊपर वाले 2 से नीचे गुणा करेंगे तो ये 4 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। समझ रहे होंगे बात को। उसके बाद क्या बोला है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि ए और बी की वर्तमान आयु बताना है। ठीक है, ए और बी की वर्तमान आयु बताना है, तो यहाँ से एक डिफरेंस 1 की वैल्यू कितनी है, 1 की वैल्यू यहाँ से 10 दिया गया है, तो वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, 4 की वैल्यू, ये परसेंटेज है और ये 10 वर्ष पहले होती है, 4 की वैल्यू 40 और 6 की वैल्यू 60, यहाँ से आपका आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सही जवाब, 40 और 60 आपका आंसर हो जाएगा। तो बिल्कुल अच्छे तरीके से आपका समझ में आ रहा होगा, कैसे भी टिपिकल क्वेश्चन यहाँ पे कराया जाएगा, बिल्कुल इजी तरीके से कराया जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 8 है वो है कि मेरे पुत्र की आयु से 3 गुनी है, मेरी उम्र जो है मेरे पुत्र की आयु की 3 गुनी है। ठीक है, यानी फादर की उम्र जो है वो सन की उम्र की कितनी है, 3 गुनी है। ठीक है, आगे क्वेश्चन दिया है 3 गुनी, उसके बाद दिया 5 वर्ष पश्चात मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु से 2.5 गुनी हो जाती है, 5 वर्ष बाद यानी आफ्टर 5 ईयर्स मेरी आयु जो है मेरे पुत्र की आयु की 2.5 गुनी हो जाती है, यानी 5/2 लिख सकते हैं 2.5 को। ठीक है, उसके बाद क्या क्वेश्चन पूछा है, तो मेरी आयु ज्ञात करें, यानी उनकी आयु क्या होगी वो हम ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से देखेंगे इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 3 का, और यहाँ का डिफरेंस 2 है, तो 3 से ऊपर गुणा कर देंगे तो 3×3 9 हो जाएगा और 1×3 3 हो जाएगा, और 2 से नीचे गुणा करेंगे तो 5×2 यानी 10 हो जाएगा और 2×2 यानी 4 हो जाएगा। अब देखेंगे इन दोनों में डिफरेंस कितना है, 6 का समान है, और फादर के एज में देखिए डिफरेंस कितने का है, 9 यहाँ है, 10 यहाँ, यानी 1 का डिफरेंस है, 3 यहाँ है, 4 यहाँ भी, यानी 1 का डिफरेंस है, और 1 की वैल्यू क्या दिया है क्वेश्चन में, 1 की वैल्यू दिया गया है 5 ईयर्स, तो आपको पूछा गया क्या, फादर्स की एज बताइए यानी उनकी आयु, उनके पिता की आयु बताना है, तो 9 की वैल्यू बताना है, तो 9 की वैल्यू कितने हो जाएगा, 45 साल हो जाएगा। ठीक है, इस 8 क्वेश्चन को हमने देखा। ठीक है, उसके बाद हम आगे भी देखते रहेंगे क्वेश्चन, इस चैप्टर को पहले कंप्लीट कराएंगे, फिर ट्रिगो की क्लास को आपको कंप्लीट कराया जाएगा, उसके बाद 200 क्वेश्चन के करीब में ट्रिगो को हम लेके आएंगे इसी चैनल के माध्यम से। तो चैनल स्टार्टिंग है तो आपकी सपोर्ट की ज्यादा जरूरत है, आप इस चैनल पर अपना प्यार बनाए रखें क्योंकि ये नया चैनल है एक तरीके से, तो नए चैनल पे अभी तो डिजिटल बोर्ड है नहीं कि हम उसको डिजिटली कर पाए सारी चीजों को, तो अपना आप सपोर्ट और प्यार बनाए रखें, इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के पास ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू।